जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहियर एंड वेलकम यू बैक टू एस एस बी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली नोबेल कमिटी वालों ने नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन 2023 का अनाउंसमेंट किया हुआ है और इस साल ये अवार्ड जो है वो दो लोगों को दिया जा रहा है, कैटलिन कैरिको और ड्रू वेस्टमैन को दिया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेवलपमेंट कैटलिन और ड्रू वेस्टमैन ने किया हुआ है रिस्पेक्टिवली, और रेवोल्यूशनरी से किस लिए माना जा रहा है, और ये सिलेक्शन दरअसल होता कैसे, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था और नोबेल असेंबली ने भी, नोबेल कमिटी वालों ने भी अपनी वेबसाइट में इसे अपलोड किया हुआ था। सो नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि 2023 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जॉइंटली दिया जाएगा फॉर कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेस्टमैन, खासकर इनके डिस्कवरीज जो कि न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन से जुड़े हुए हैं, जिसने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझने में मदद की, डेवलप करने में मदद की एक इफेक्टिव mRNA वैक्सीन जो कि COVID-19 के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सका, किया जा चुका हुआ था। तो उनके डिस्कवरीज जो थे उन्होंने फंडामेंटली हमारे यानी कि इंसानों के देखने के तौर तरीके को चेंज किया कि किस तरीके से mRNA जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। और ज़्यादातर ये नोबेल लॉरेट्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा योगदान में आया हुआ है वैक्सीन डेवलपमेंट में, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। रिसेंटली जो कोविड की मार हमने देखी हुई थी 2020 में, सो बिकॉज ऑफ दैट mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट ओनली हमने इफेक्टिवली कोविड के वैक्सीन बनाए हुए थे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब थोड़ा बहुत इन नोबेल लॉरेट्स के बारे में जानते हैं। कैटलिन कैरिको की पैदाइश जो है वो 1955 में हुई थी हंगेरी में, और पीएचडी उन्होंने वही रिसीव किया 1982 में, और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च उन्होंने हंगेरियन एकेडमी में ही किया हुआ था साइंसेस में 1985, और बाद में उन्होंने पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में किया हुआ था। 1989 में उन्होंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर का करियर उनका स्टार्ट किया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, और 2013 तक भी वो वहीं से जुड़ी हुई थी, और बाद में 2021 में अगेन एक एडजंक्ट प्रोफेसर की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मेडिसिन से वो जुड़ी हुई थी। सो मोस्टली दोनों ही नोबेल लॉरेट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से जुड़े हुए हैं। दूसरे जो नोबेल लॉरेट है मेडिसिन में वो ड्रू वेस्टमैन है, उनकी पैदाइश 1959 लेक्सिंगटन मैसाचुसेट्स यूएसए में हुई थी, और उन्होंने अपना एमडी और पीएचडी डिग्री जो है वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी 1987 में हासिल की हुई थी। उन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो इजराइल डिकोनस मेडिकल सेंटर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च जो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड यूएस का इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किया हुआ है, एंड सिंस 1997 वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से जुड़े हुए हैं। तो दोनों के दोनों नोबेल लॉरेट्स ने mRNA के इनोवेशन से ही यहाँ पर डिस्कवरीज की हुई हैं, जो कि आगे जाकर COVID-19 के वैक्सीन के बनाने में बहुत ही मददगार हुई। अब देखिए ये कमिटी दरअसल सिलेक्शन किस तरीके से करती है। तो दरअसल नेशनल नोबेल असेंबली जो है वो 50 प्रोफेसर्स का एक मिश्रण माना जा सकता है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये भी स्वीडन में ही है, स्टॉकहोम में। सो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में 50 प्रोफेसर्स जो है वो डिसाइड करते हैं अल्टीमेटली कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन फील्ड में किसको चूज करना चाहिए या फिर किसे अवार्ड देना चाहिए। तो 1901 में नोबेल प्राइज जो है वो साइंटिस्ट को अवार्ड किया गया था फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो कि ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए दिया जाता है, और वहाँ से हर साल ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है, स्वीडन इसे प्रोवाइड करता है। तो दिसंबर के महीने में ये मोस्ट प्रॉब्ली अवार्ड दिया जा सकता है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूँ कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक इंडिया सीडीएस अफकैट एंड वॉरियर 10 कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।